दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक का अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड जो होता है वो आप भूल चुके हैं, उसको कैसे रीसेट करना है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मोबाइल से ही आपको बताएंगे दोस्तों कि आप अपने मोबाइल से ही आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, 100% आपको जो है सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद से आप यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है ऑनलाइन SBI। यहाँ पे टाइप करके सर्च कर देंगे, ऑनलाइन SBI लिख के सर्च कर देंगे। इसका फर्स्ट इसका वेबसाइट यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद से आपको नया पेज देखने को मिलेगा SBI का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से दोस्तों आप पेज अपने एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं पर्सनल बैंकिंग मिल रहा है और कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो अगर आप पर्सनल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से फिर से आपको यहाँ पे पेज एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू टू लॉगिन का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि आप अपने पेज पर आ चुके हैं, अपने नेट बैंकिंग के पेज पर। यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होता है। अगर दोस्तों आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे कि फॉरगॉट यूज़र नेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ आपने यहाँ पे फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, यहाँ से पूछ रहा है। यहाँ से देख सकते हैं सेलेक्ट करने का ऑप्शन देख रहा है। तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूवल, यहाँ ब्रांच का भी है। अगर डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं खुद से तो यहाँ पर फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड पर सेलेक्ट रहने देंगे, उसके बाद से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपना यूज़र नेम डालना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद से कंट्री कोड, अपना कंट्री नेम डाल देंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद से आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एक इंटर कर देंगे। वहाँ से फिर उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कैलेंडर की सहायता से। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इस पर लिख देंगे। उसके बाद से जो ये कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चा लिख के आपको यहाँ सबमिट कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों जैसे आप अपना नंबर डाल के अपना सब कुछ अपना डिटेल्स डाल के सबमिट करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, जो देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से दिखेगा। आपको ये 6 अंक का OTP आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। यहाँ से 40, 66, 63 जो हमारा OTP है इसको यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद से कन्फर्म कर देंगे। यहाँ से दोस्तों जैसे आप कंफर्म करेंगे, अब इसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग ATM कार्ड और यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड से कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ATM कार्ड होगा तो ATM कार्ड से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास ATM कार्ड है, यहाँ से हम ATM कार्ड की सहायता से करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से सबमिट कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों सबमिट करने के बाद से आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आएगा और यहाँ पे आपको कार्ड का डिटेल्स देखने को मिलेगा। आपका कार्ड टाइप यहाँ पे देखने को एक्टिव है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से कंफर्म कर देंगे। यहाँ से कंफर्म करेंगे, अब यहाँ से दोस्तों आपको अपना कार्ड का जो डिटेल्स डालना होगा, आपके कार्ड पर क्या नाम पड़ा है और कार्ड की एक्सपायरी क्या है और आपका ATM कार्ड का पिन कितना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे जो कैप्चा लिखा है, ये कैप्चा लिख के आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब प्रोसीड वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं वैलिडेशन कन्फर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे आपका कार्ड वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ से दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ से उसके बाद से दोस्तों आपको अपना यहाँ पे आप नया पेज आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी ही देर में। देख सकते हैं अब आपका यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है कि आप अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो आप अपना पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आप अपना पासवर्ड डालेंगे, ऊपर वाले बॉक्स में अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर से वही पासवर्ड दूसरे वाले बॉक्स में डालेंगे, डालने के बाद से सबमिट कर देंगे। यहाँ से दोस्तों आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड आपका सक्सेसफुली सेट हो चुका है, अब आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।